इधर जम्मू के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ लगी सरहद के पास बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। सांबा सेक्टर के बबर नाला इलाके में फौज और पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से भेजे गए हथियार मिले हैं। आईबी के पास हथियार और असलहा बरामद होने से एक बार फिर से बात साफ हो गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का सिलसिला जारी है। आमने सामने की लड़ाई में शिकस्त खा चुका पाकिस्तान अब छिप कर साजिश कर रहा है। सवाल यह कि हमारे मुल्क की जमीन पर मुसलसल इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे जो साजिश है वो साफ हो चुकी है। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से भेजे गए असलहे और हथियार मिले हैं, जिनमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और 1 IED बनाने वाली पाइप मिली है। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुबह 6:30 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कॉर्नर कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्मी की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है जी। ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, जब कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्वो नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की सभी में बहुत अच्छा समन्वय है और हम सर्चिस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमल एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाबे। राजौरी के थाना मंडी इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए। मिली जानकारी के मुताबिक इनकाउंटर में मारे गए और दीगर दहशतगर्द शमीर से राजौरी पहुंचे थे। इनमें गैर मुल्की दहशतगर्दों के भी शामिल होने की खबर है। पिछले 2 हफ्ते से खुफिया एजेंसियां इस टेरर ग्रुप पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए नजर रख रही थी। दहशतगर्दों के राजौरी पहुंचने का इनपुट मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान घेरा सख्त होता देख दहशतगर्द फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई के साथ इनकाउंटर शुरू हो गया। बता दें आपको कि वादी में खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी दहशतगर्दाना तंजीम अब जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दाना सरगर्मियां तेज करने में जुट गई है। ये पूरा पहाड़ी एरिया है और यहां से इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, ये न्यूज आती रहती है बार बार, इंट मिलती रहती है। तो अभी भी हमें थोड़ा पता लगा है तो हम आए हैं, तो देखते हैं फर्दर क्या रिजल्ट निकल के आता।